नरेंद्र मोदी तीसरी बार लेंगे पीएम पद की शपथ। नीतीश नायडू के इंडिया गठबंधन में जाने वाली खबरों पर लगा ब्रेक। 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए देश की 543 सीटों पर हुए आम चुनाव के नतीजे आए। नतीजे आने के बाद भारत की राजनीति में एक हलचल पैदा हो गई। हलचल का मुख्य कारण था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बहुमत के 272 के आंकड़े को नहीं छू सकी थी। नतीजे में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 240 सीटें मिली, जिन्हें पाकर वह देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं कांग्रेस पार्टी को कुल 99 सीटें मिली, जिनके साथ वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। साथ ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले नतीजे देते हुए 37 सीटें पाकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। इन चुनाव परिणामों में एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 233 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि अन्य के खाते में 18 सीटें आईं। नतीजे आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म था कि एनडीए के साथ चुनाव लड़े टीडीपी 16 और जेडीयू 12 सीटें जीतने के वाली दोनों पार्टियां एनडीए का साथ छोड़ सकती हैं। जेडीयू और टीडीपी दोनों दलों के पास कुल 28 सीटें हैं। यदि ये दोनों दल एनडीए का साथ छोड़ दें तो एनडीए के पास कुल 264 सीटें बचेंगी, जो सरकार बनाने वाले 272 के आंकड़े से कम हैं, और जिसका परिणाम ये होगा कि एनडीए सरकार बनाने से चूक जाएगा। अटकलें थीं कि जेडीयू और टीडीपी इंडिया गठबंधन के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन इन सभी अटकलों और खबरों को उस वक्त पूरी तरह विराम लग गया जब 7 जून को एनडीए के घटक दल और नेताओं की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए समर्थन समारोह हुआ। इस समारोह में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने पहुंचकर एनडीए के टूटने वाली तमाम खबरों पर ब्रेक लगा दिए। इन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर जेडीयू और टीडीपी की तरफ से समर्थन दे दिया। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आई प्राउडली प्रपोज द नेम ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी ऑन बिहाफ तेलुगुदेशम पार्टी फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट नेशन। Through his vision of सबका साथ सबका विकास and विकसित भारत and through the collective efforts of NDA, we can become a zero poverty nation. That is possible only Narendra Modi ji. This is a historic moment. All of you are here. Telugu Desam Party is having relations with NDA from the beginning. My leader, my party founder, great NT Ramarao garu, you are all aware. Always he was worked for the people, and also he told very clearly, I don't know isms, I know only ism, that is humanism, that is NTR. That vision Narendra Modi ji is making a reality in India. We are very happy for this momentum. एनडीए की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को घटक दलों और पार्टी के नेताओं का समर्थन मिलने पर संसदीय दल का नेता चुना गया। नरेंद्र मोदी 9 जून की शाम को तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोस्तों, आप देख रहे थे दी न्यूज़ वॉलंटियर, आपके साथ में गोशे आजम। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।